हां अनीता राठौर बंजारा वर्ल्ड चैनल हमार संस्कृति हमारो अभिमान बंजारा तड़का मई तमारो शेरो स्वागत छ। आज आपण आमेलेचा लता श्रीराम मेघावत जेचा हैदराबाद है तो आपने आज हैदराबाद स्पेशलिटी आणि हैदराबादी में काही बणच उशिकेन मळेवाळ छ तो चालो बेटा जय सेवालाल। जय सेवालाल भाई तमारो परिचय दो। म लता मेघावत हम प्रॉपर हैदराबाद चा पुणे में 30 वर्षी स्थायीचा। भाई तो हमने कहीं शिकार स्वास आज सुख मारे खोड़ी। ओके तो चलो भाई आज अपने सुखी मारे खोड़ी शिकार सो तो देखा। तो भाई तम हमने जे खोड़ी शिकार सो और साहित्य कहीं कहीं सब। ओके इतना सुख बारीक मारी अनि हरे मिर्चा लसन हल्दी नून कोथिंबीर कांदा टोमेटो अनि फळी भिजा तो पहला काम कर रहे हो फळी भिजा दशेत भूंज ले रहे हो। तो भाई मने एक बात पूछूं ये जे पदार्थ छ खोड़ी माथळे तो ये तमने कोण शिका मिलीस कुन शिका में तो ये मार दादी करती थी जे टाइम में भाजी कुन रहती थी ताने में ही। हाँ तो आई ने आड़ साने में कई रस रही नहीं थी ताने में ही ताने एक मरा से एक मरी रही तो सुको बुमला कसेन तो वो न भुजना कच यात्रा कांदा वगैरह घालन टमाटर घालन मस्त थोड़ी बीड़ी हरी मिर्चा घालन तनी करना का तो बाटी थी मस्त लागू मस्त लगा। तो हमने बाटी भी शिका वाला सो पात्र तो भाई आपने पातळी वाटी भी शिकावळसं मन वाटत की सुकी माचळी ही आपण हडप्पा संस्कृतीती आमेली जो को प्रथा छ कारण की आपण फरती पर रहते थे तो जना आपने न खायन भाजीपालो मरतो तो कोणी कारण की आपण एके जागे पर रहते थे कोणी तो मन वाटत की नदी पर आपण स्थायी खेते थे आणि वत माचळी भरपूर मळती ती जना सुका सुका हे हमर बंजारा समाज खात होतो खाएं भी मस्त लग मस्त लग मारे भरपूर प्रकार सब प्रत्येक घर कहीं ना कहीं वेगड़ो बनास तो आज भाई हैदराबादी में भी प्रकार बनाते हैं नू दादी वगैरह बनास तो वो अपने शिकार है भाई जे टाइम ये भुंजा जा नहीं वास्ता आवास नहीं वो पर ये वड़के जाए पर गोरमाटी सागर ये किस तरह ये भुजेर बना तो वास आओगे तो गोरमाटी आसपास तक करन वड़ा तो जस्ट करना अपने खाना चाहिए। हाँ बराबर पिज्जा भूल ना करो पहले तेल घालना करो भूल ना करो घोल भूजे कहीं तो एर वास तसे कमी आओ तो घोल भूजे से। हाँ और जैसे तो जैसे तेल घाले रहो तो ये चिपके नहीं तो तसे भूजे जैसे भूजे से। टुकड़ा भी उतरा पड़ जाओ पानी में पानी में घालना के गरम पानी लेते कहीं क्या वीन कहीं करो इन दशे धोना के रो। हाँ कहीं कतो ये में कचरो वगैरह ना दशे खान रो। हाँ तो धोन तानी पर दशे छान ले ले रो हाँ। तो वो जैसे मस्त टेस्ट भारी लागत।
कांदा जसे काटले नु हां तो पटकेशन भूक लागले बकर तेल हाल भुजे कहीं तो तो वास भी मस्त आवे तो तो भी भारी लागे हो मिरच्या लाल मिरच्या भी आप लाग तसे हार घालना के रोड से खोते मिले तो तसे घाले रो पहला सभी प्रमाण नून घालो तो पहला ऑलरेडी आपण घाल घाले मात्र नहीं तसे कोण मुळे आणि मात्र मी भी जरा नून धरत तो थोडा कमच घालो ये दोन में करो तुम देख रहे हो अभी सुख भी है अभी ये दशक ये करना के अपन पानी घालना के ये कूट दशक जास्त घालना के तो मस्त ग्रेवी है दाल जैसे पातल पातल है दाल जास्त जर पातल करी नहीं तो ये जास्त घालना के रो जैसे आणि फक्त सुका कर रहे हो आज हम सुका कर रहे तो थोड़ा सा टेस्ट करो हाँ तो ये कमी कमी सही भी जरूर कूट
ऑलरेडी आपण म्हणून भुलले लेले माझा तो शिजत जाव शिजत जाव ऑलमोस्ट तो शिजत शिजणे चालू हो टेंशन ना की भुललेले तर पाणी मध्ये घालले तर तो शिजत जाव शिजलेले तू आम्ही बंद करू शकता का तो आपण ही भाजी तयार आहे मेदी मस्त आंबे जास्त पात्र कोई ले जाए नहीं सुको ले जाओ थोड़ी खोड़ी कर ले रो बाटी सोबत ले ले रो हे वो काम रेडी टेस्ट करन को हमने कशे ओके तो चलो लता भाई अपने खोड़ी बनाने शिका मिली तम देख मिले जो कहीं कहीं घाल मिली जो तो मैं भी टेस्ट कर देखू जो एकदम भारी है मिली भाई कारण की वो जे अपन बुमला घाल मिले चा जे वो माई माई कचकच करन भारी टेस्ट लग रोज तो नक्की बनान देखो ये रेसिपी आणि खान कमेंट भी करो कि लता भाई कुकर में नहीं देखो आप बस लता भाई अपने माचेस खोड़ी शिकाई आणि आप कर्नाटक है आणि महाराष्ट्र है वांड्री पर वो रज वो कुणसो तांडो सब है तमारो हमारे बेरम तांडो हाँ बेरम तांडो उनुरो जन्मस्थान सर आणि वाया करन वो हैदराबाद में गेस तो दोईरो कॉम्बिनेशन आज आपने वो शिका रे तो चलो भाई तो हमने पातळ बाटी शिकाओ ओके जाय जातो आणि गरम पाणीची आणि जसे गरम पाणी घाले तो बाटी आती हर आणि पातळ भी हर तो एक गरम पाणीच एकदमच बक्कळ पाणी घालायची जसे जसे घाले तो जसे आटो दुतरा कलडो वसनाचा आटो आचो वसनाचा वतरी बाटी भी आची तो तुमने भाई गण आज टिप्स दे दी जत्रा तुम बाटीन आटो आचो वसनाचो वतरी बाटी आज गरम पानी ती का वसना रो भाई तो चिकट पाना रस नहीं हो भाई ओके चिकट पाना डायरेक्ट आसे जाटे ती की दी तो बाटी आची ही नहीं हाँ आनी थेपड़ाई नहीं दी बाटी रे इजी चांदा रे लोग खाऊ शकता जाड बाटी म्हणजे मी फरक बरोबर म्हणून आणि पातळी बाटी कर्नाटक आणि महाराष्ट्र मे बी पातळी बाटी भरपूर ठिकाणी बनवत आणि जाडी बाटी भी भरपूर ठिकाणी बनवत हमारे समोर जाडी बाटी कोई खाई खाई पातळीच लागत हां काय करायचं लास्ट पहिला पातळी कर्नाटकचा आणि कुत्र कुत्र वाले हैं तो दी बाटी रे बाटी करना का था तो वो जाड़ी बाटी देख रहे थे तम आटो कतरा आटो असर में लिस भाई जितना आटो नरमो गार असर असनी तो वो त्री बाटी आची खाएं भी आची लागत आणि करें भी सोपा जावत तो आटो वसने तो नहीं तो मैं गैस चालू रखा रहे कारण की तवा भी गरम होने लगा नहीं तो पच बाटी का थी जाओ देखो भाई अब लो देखो कर रही भाई
बाटी तो नहीं भी इतने इतने जास्ता है नहीं करे रो अन्ना है अंग्रेजी की नहीं है तो वो है दाढ़ी दाढ़ी वाटा तो एक ट्रिक्स तो बाटी करे कि तुम अंग्रेजी ना थेपड़ता तो तड़वाती थेपड़ो एकदम पातळ सी आणि आबे इन दुदतर आपण शेताचा आबे बाटी मस्त आहे फू घेऊ नरमच आबे इन कडक करे हणू तो इन जास्त वेळ दशे खाई हेट पर करना करो तो देखो तुम कतरी पातळ कर मिलीस बाई बाटी एकदम पातळ आणि ऊज हेती जरा नरम तो तुम थोडा वेळ जर कडक बाटी चा वाळे हणू तो ज्यादा वेळ शेको अपने इन सुखी माड़ियर खोड़ी आणि बाटी शिका मेरे तो मैं आप भी टेस्ट करन देखे वाचू आंगड़ा में टेस्ट कर मेरे दिन पर बाटी एकदम कुरकुरी छा आणि खोड़ी एक नंबर कर मेरे जो भाई तो थैंक यू सो मच तम हमने नहीं दकाड़े अने बंजारा समाजे तो नहीं तमार रेसिपी पहुँचाए थैंक यू सो मच तम भी भाई हमने चांस दिने बनान दकाड़े थैंक यू आज लता भाई बंजारा वर्ल्ड चैनल उमई बंजारा तड़का स्पेशली मई अपने हैदराबाद सुखी माचळी चटनी आणि बाटी ओ शिका मेरी तो अपन उन्होंने सेवालाल महाराजे रो इ फोटो भेट कर रहे थे।